Hey guys, welcome back to our channel Get Into Wins. We hope कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो guys, हम इश्क़ से ड्रामे के 30th एपिसोड पर हैं, सेकंड लास्ट एपिसोड है। जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, इस वीडियो में उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो guys, इस एपिसोड में मतलब काफी कुछ हो रहा है, तो आगे देखते हैं कि आगे क्या स्टोरी है, क्या होता है आगे। तो साथ में देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अरे कहाँ से आ गई यार ये? बताया कि वो तुमसे शायद आइंदा कभी मिलना नहीं चाह रही। सच है, लेकिन ये भी सच है कि मैं भी नहीं मिलना चाहता उससे। खैर प्लीज दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानता हूँ। तुम हमेशा साथ रही हो, बस मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की। शामिर, अभी गुजरा नहीं है, तुम चाहो तो अभी भी मेरी कदर कर सकते हो। जैसे मैंने तुम्हारी हमेशा की। जानता हूँ। और इस मुल्क को तुम जैसे बहुत से पॉलिटिशियंस की जरूरत है। सामने आए तो लगता है जैसे कि सपना जान ले इश्क मुर्शिद मेरा जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा याद कर रहा है। घर में गया था तो खुशियां थी, ठीक था। अच्छा, आखिरी बार उस घर से निकला हूं तो शिवरा की जिंदगी बर्बाद कर दी, और इस बात का दुख जिंदगी भर रहेगा। जो खो गया उसे वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आप वापस कर सकते हैं उसे हर कीमत पर वापस करना चाहिए। सुलेमान के मुजरिम को जेल में डालकर ही साबित किया जा सकता है कि सुलेमान बेकसूर था। इसीलिए कल बाबा अरेस्ट होंगे, और इस बार मैं नर्वस नहीं होऊंगा। उन्हीं को मानेंगे, इसने पट्टी ऐसे पढ़ा रखी है। गवाह के तौर पे नरगिस, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। कोशिश की थी उसको ढूंढने की। फिक्र ना करो, गवाही वो देंगे जिन्होंने तुम्हारे बाप के कहने पर गोलियां चलाई थी। क्या कर रहा है? देख तो सही, ये देख, चल मुस्कुरा। अबे मैं कोई मॉडल थोड़ी हूँ। अरे भाई सोशल मीडिया का जमाना है यार। ए
यार ये सोशल मीडिया पे नहीं लगाना। अरे भाई ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेजों के किले में बैठे हैं। देख हाँ बड़ा किला है यार। ओए अरे कॉल आ रही है यार। पकड़ पकड़ साहब की कॉल। जी साहब जी हम ये कबूल करते हैं कि हमने जितने भी गलत काम किए हैं वो दाऊद अली खान के कहने पर किए हैं। हाँ हमारे से गलती होगी हमने माफ कर दो। हमें अपनी गलतियों का एहसास है और अब हम उनके लिए कभी काम नहीं करेंगे। हम उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल हमारे से भूल होगी हमने माफ कर दो। अब तो जाएगा ये जेल में। आओ बैठो तुम दोनों जाओ। जॉइन मी फॉर लंच। मेरे साथ बैठ के एक आखिरी बारी सही। तो आप जानते थे शामिर मैं सिस्टम का सिर्फ हिस्सा नहीं सिस्टम को चलाता रहा। बहुत दुख होगा इसे पता चलेगा। तुम्हारी माँ हमेशा चाहती थी इस सिस्टम को करप्ट लोगों से पाक करें। तुम उसी का काम कर रहे हो। मैं भी उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं। लेकिन तुम खुश क्यों नहीं हो? खुश होना चाहिए। सही कह रहे हो। आई नो यू लव मी। और कोई भी अच्छा बेटा अपने बाप को तकलीफ में देखकर खुश नहीं हो सकता। दुखी हो रहा बंदे को यार फिर चीज दी गई। हाँ राठौर बस एक आखिरी वोट है। श्योर दाल साहब का ख्याल कीजिएगा। श्योर देख भी नहीं पा रहे। तुम अपना ख्याल रखना ये बिल्कुल अपनी माँ पे ही है। He hates the corrupt. श्योर चले राठौर प्लीज। क्या लाइन बोल गया क्या? ये करप्ट बंदों से नफरत करता है भाई। इसको अगर पता लगेगा तो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं इसे। सपनों में हार गया मेरा मौकफ हार गया और उसकी चालाकी कहीं उसकी जीत में बजा रही। सोच भी नहीं सकते थे कि आप शाम में ये राय रखते हैं। अब इसको सच लग रही होंगी उसकी वजह से। शिप्रा मुझे नहीं लगता मेरे के कोई गलती थे। इसको भरोसा है मुरब्बी। तो तुम्हारे बाबा से बहुत प्यार करता था। शिप्रा बेटा कब तक बात नहीं करोगी उससे? बेटी पेरेंट्स जो है ना वो मरने से नहीं डरते लेकिन
मरने के बाद उनके बच्चों का क्या होगा, वो किसी मुश्किल या तकलीफ में तो नहीं चले जाएंगे इससे? अब तो तुम्हारे बाबा भी नहीं रहे जो तुम दोनों की दोस्ती कराते हैं। गलतफहमी जो है ना, वो मरबेल की तरह होती है, बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती है। और अब तो वो सुलेमान को इंसाफ ही दिलाने की कोशिश कर रहा है ना, है? सफदर, सफदर। जी शामी साहब, कॉल कर रहे थे। क्या हुआ शिप्रा? शिप्रा आंखें खोले बेटा, शिप्रा। शिप्रा, शिप्रा आंखें खोलो बेटा। क्या क्या हुआ यार, इसमें तो उसका बाप जेल चला ही गया। पर जो कह के गया वो बात बहुत सही थी यार, वो बात सही थी। और यार उसका जो वो था ना, वो देख भी नहीं पा रहा था अपने बाप की तरफ, आंसू भी आ रहे हैं और देख भी नहीं पा रहा है, दुख भी हो रहा है। और क्योंकि ना यकीन नहीं होता, चाहे कितना ही बोल लो यकीन नहीं होता कि मेरे पापा ऐसा कर सकते हैं। बट उसके कहने पर वो सब सोचने लगी अपने बाप के बारे में, और उसने फैसला ले लिया कि जेल दे रहा। जिन्होंने मारा है उनसे भी कहलवा दिया ना कि के जाने पर ही करा है। क्या गेम खेली यार उस बंदे ने, मतलब वो दे, मतलब सोच के आ रहा हूँ क्या था यार। दो तीन एपिसोड से उसी की गेम चल रही है यार, पूरी गेम उसके हाथ में थी बंदे। और अब पता नहीं क्या हो गया इसको, शिप्रा को भी एपिसोड में तो यार मतलब एपिसोड था ये। हाँ, इसमें काफी कुछ हुआ था भाई, काफी कुछ हुआ था। तो लास्ट एपिसोड में देखते हैं कि लास्ट एपिसोड क्या होगा सेकंड एपिसोड। और वैसे कमेंट आ रहे थे कि वो सिनेमा में लगेगा। हाँ, तो सिनेमा में लग रहा है लगेगा। तो देखते हैं क्या होगा गाइस। बिल्कुल, मतलब इतना हिट सीरियल जा रहा है यार, वो तो लगना बनता ही है। बिल्कुल, स्टोरी है। तो गाइस लास्ट एपिसोड कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल। तो गाइस वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस। बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है।